let gx is equal to x minus 1 raised to power n upon log of cos raised to power m x minus 1. X is between 0 to 2, m and n are integers, m is not equal to 0 and n is greater than 0. Let p be the left hand derivative of mod of x minus 1 at x is equal to 1. If limit x tends to 1 gx is equal to p, then तो हम यहां से अगर देखेंगे तो क्या होगा हमारे पास में, लेट्स सी. तो हमारे पास में है लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1, और फिर क्या होगा हमारे पास में g ऑफ x. ठीक है, कैलकुलेट करते हैं. तो x को क्या करता हूं मैं, यहां पे लिखता हूं मैं लिमिट को, x को पुट कर देता हूं सबसे पहले 1 plus h. ठीक है, तो लिमिट में आ जाएगा x टेंड्स टू, लिमिट x टेंड्स टू 1 plus h. तो हमारा फंक्शन क्या देगा, ऊपर जाएगा 1 plus h minus 1 की पावर n अपॉन, नीचे जाएगा log of what, जाएगा cos raised to power m, और फिर आएगा 1 plus h minus 1, तो आएगा cos of h raised to power m. तो अगर हम देखेंगे अब यहाँ पे numerator क्या है, 1 से minus 1 cancel out हो गया, बचा क्या h, तो h raised to power n, h 0 पे approach कर रहा है, यहाँ पे हमें पता है, तो h ये क्या है, ऊपर वाला न्यूमरेटर 0 पे अप्रोच कर रहा है. अब हमें पता है यहां पर भी cos h h 0 पे, तो cos h 1 पे अप्रोच कर रहा है, तो log ऑफ 1 ये भी 0 पे अप्रोच कर रहा है, तो 0 बाय 0 की फॉर्म हो गई. तो हमारी लिमिट हो गई अब यहां से, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 h रेस्ट टू पावर n, और देगा log ऑफ व्हाट, cos ऑफ h रेस्ट टू पावर m. ओके, तो ये हमारे पास में लिमिट हो गई. अब क्या कर सकते हैं, तो 0 बाय 0 फॉर्म है, तो एल हॉस्पिटल रूल में अप्लाई करता हूं, तो यहां से आ जाएगा मेरे पास में लिमिट h टेंड्स टू 0, h की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, होता है n into h रिस्ट पावर n माइनस 1 अपॉन log ऑफ cos h रिस्ट पावर m, क्या जाएगा 1 अपॉन cos ऑफ h रिस्ट पावर m, फिर cos h का डिफरेंशिएशन m into cos of h raised to power what m minus 1, फिर cos h का differentiation minus of sin h. ठीक है, ऐसे देखो minus of sin h. ठीक है, और ये limit हमें given है कितनी है, equal to p है, और जहां p क्या है, mod of x minus 1 का left hand derivative है, तो mod of x minus 1 का graph कैसा होता है ऐसा. ठीक है, तो इस साइड में स्लोप होता है इसका इक्वल टू 1, और इस साइड में स्लोप होता है माइनस 1 के इक्वल, तो लिमिट है माइनस 1 के इक्वल. अब क्वेश्चन क्या आता है, ये लिमिट तो माइनस 1 के इक्वल है, लेकिन यहां पे क्वेश्चन है हमारे पास में लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 पे cos h तो क्या हो जाएगा, सिंपल 1 के इक्वल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ऊपर अभी भी है हमारे पास में n into h रिस्ट टू पावर n माइनस 1, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या बचा हमारे पास में, m into माइनस ऑफ sin h. ठीक है, sin h, और ये वैल्यू होनी चाहिए इक्वल टू माइनस 1. ठीक है, अब अगर मेरे पास में सी, हमें पता है sin h बाई h की लिमिट तो 1 हो जाएगी, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो लेकिन अगर ऊपर h से ज्यादा की टर्म बची, मतलब h की पावर 1 से ज्यादा बचा, तो उस केस में क्या होगा, टर्म हमारी 0 पे अप्रोच करेगी, और अगर उससे 1 से कम बचा तो हमारी वैल्यू इनफाइनाइट पे अप्रोच करेगी. तो हमारे पास में सिर्फ एक ही केस पॉसिबल है, जब n माइनस 1 की वैल्यू क्या हो जाए, इक्वल टू 2 हो जाए, ओ सॉरी n माइनस 1 की वैल्यू क्या हो जाए, इक्वल टू 1 हो जाए, तो उस केस में क्या हो जाएगी लिमिट हमारे पास में, माइनस ऑफ n अपॉन m इनटू h अपॉन sin h हो जाएगी. ओके, और जगह लिमिट में हमारे पास में लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, और ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी माइनस 1 के. तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास में इक्वल टू 1, और जगह माइनस n इज इक्वल टू माइनस m, तो जगह n इज इक्वल टू m, और n की वैल्यू क्या है हमारे पास में, n minus 1 is equal to 1, तो अगर n is equal to 2, तो m is equal to n is equal to 2 is answer for this question, option C.